दिल्ली की सर्दी का लास्ट एपिसोड अब होने जा रहा है शुरू। वीडियो की स्टार्ट जो है ना सनसनीखेज खबर से हुई है, क्योंकि भाई सही में सनसनीखेज खबर है। दिल्ली की सर्दी जो 3 महीने तक चली, एक तो वेजी बाजी के चैनल पे, जो आप बाकी सारे एपिसोड्स वेजी बाजी डेली लिख के देख सकते हो, और दिल्ली की सर्दी सही में इस बार काफ़ी खूब पड़ी और टेम्परेचर आई थिंक 1 डिग्री तक पहुँच गया था, विच वॉज लाइक हम दिल्ली वालों के लिए काफ़ी बड़ी बात थी वो। तो अभी दिल्ली की सर्दी को ऑफिशियली बाय बाय बोलने के लिए चैनल पे हम लोग जा रहे हैं दिल्ली से थोड़ा सा बाहर, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे। जो पक्के दिल्ली वाले जो होंगे उसको दिल्ली का अपना पार्ट समझ चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? वीडियो और टाइटल और थंबनेल से आप समझ चुके होंगे, मूर्थल जा रहे हैं भाई साहब। एक तो दिल्ली की सर्दी जो वीडियो होती है वो संडे स्पेशल होती है, पूरे हफ्ते आप बाकी सीरीज देखते हैं, अभी जैसे पुणे सीरीज चल रही है, और संडे स्पेशल्स वीडियो में भी दिल्ली की सर्दी का लास्ट एपिसोड तो और स्पेशल, मतलब स्पेशल का भी स्पेशल वीडियो। मूर्थल के पराठे खाते हैं सफ़ेद मक्खन चाय और गुड़ के साथ। क्या है मूर्थल की कहानी और क्यों मूर्थल में सारे रेस्टोरेंट है वेजिटेरियन, इसकी भी एक कहानी वीडियो के एंड तक आपको, चलिए आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आज पूरा इनसाइड आउट मूर्थल एक्सप्लोर करेंगे द वेजी बाजी वे। तो अभी हम लोग अपनी पहली जगह पे आ गए हैं, जो है कौन सा ढाबा? सुखदेव ढाबा नहीं है, नहीं है, रिजर्व पार्किंग है यहाँ पे। कौन से ढाबे में रिजर्व पार्किंग होती है ऐसे? तो अभी हम लोग सुखदेव ढाबा पे आ गए हैं, और जो लोग दिल्ली वाले हैं और बोल रहे हैं क्या सुखदेव पे आ गया, नहीं नहीं भाई, वीडियो पूरी देखना एंड तक। हम लोग सुखदेव पे भी जाएंगे, हम लोग आगे एक और मतलब देसी ढाबे में जाएंगे, जो एक्चुअली जो ढाबा जैसा नहीं लगता, जो सबसे कम ढाबा जैसा लगता है। यहाँ पे तो सभी रेस्टोरेंट जैसे लगते हैं, जो सबसे कम ढाबा जैसा लगता है, और कुछ अलग भी करेंगे, तो आपको सारी वेरिएशंस दिखाएंगे, मूर्थल इनसाइड आउट एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले पहला धर्म मूर्थल में आने पे है क्या लेना होता है, एक ही डिश ऑर्डर करनी होती है, क्या? पराठा। ओए होए होए, एवरीथिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द पराठा। स्कूल में 6 बजे पता नहीं कैसे उठ जाते थे, 6 बजे उठ के पराठे खा के वापस 8 बजे तक। आज कितने बजे उठना था? 6 बजे सुबह उठना था, I think अलार्म बजे उठा के मैं चलो चलो पराठे खाते हैं, पराठे खाते हैं। एक आलू प्याज और एक पनीर, तवा नहीं खाना, तंदूरी फ्राई भी है इनके पास चांदनी चौक टाइप? नहीं यार। मेरा आलू प्याज वाला और आपका पनीर वाला, yes. मूर्थल ट्रेडिशन कंप्लीट हो गया। मक्खन, अरे भाई ये सारा मक्खन खा जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। इस पराठे के साथ मैं सोच रहा था दही मंगवा लूँ, पर मक्खन के साथ ना वो सैंक्टिटी जो है ना मक्खन की है। चने हम लोग वीडियो के लास्ट पार्ट में खाएंगे ना, वो एक और स्पेशल स्लॉट है। साग और मक्की की रोटी भी खाएंगे इस वीडियो में, सब कुछ खाएंगे। विल गो एंड ईट एवरीथिंग। चाय भी 1/2 आ गई, प्रॉम्प्ट टू। भीड़ नहीं देख रहे यहाँ पे, वेटिंग ही चलते रहती है मोस्टली। तो पराठा थाली चीयर्स, पराठा थाली चीयर्स। यहाँ का मक्खन प्योर होता है ना, पता नहीं चलता। हाँ हाँ बिल्कुल प्योर होता है। क्या बढ़िया पोकर फेस फोटो आई है ना, सीरियस इंस्टाग्राम स्टोरी। अब पराठा स्टार्ट करते हैं, मूर्थल की वीडियो ऑफिशियली स्टार्ट हो रही है, दिल्ली की सर्दी की लास्ट वीडियो। उससे पहले एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, ये संडे स्पेशल्स का जो कारिस्ता है ना ये चलता रहेगा। दिल्ली की सर्दी ख़त्म हो गई है तो क्या हुआ, मुंबई अभी दूर नहीं है, हम लोग दिल्ली से ऑफिशियली बाहर निकल चुके हैं। मैंने बड़ी ना प्लानिंग कर करके ना भाई को बोला, भाई शूट करने जाना, दिल्ली से बाहर निकलो। दिल्ली से अब हम लोग बाहर आ चुके हैं, हम लोग अब मूर्थल आ चुके हैं, विच इज़ नॉट दिल्ली। मूर्थल से तुरते अगले हफ्ते पहुंच जाएंगे हम लोग मुंबई की गर्दी सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट संडे। वो बाकी चीज़ें जो है ना नेक्स्ट संडे बात करेंगे। तो नेक्स्ट संडे मुंबई स्पेशल सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो वैसे तो मैं बटर नहीं खाता इतना ज़्यादा। ओहो हो भाई साहब, चटनी नहीं है ये, चटनी समझ के खा जा, चटनी है, चटनी समझ के। मैं सही बताऊँ, ये पराठा अपने आप में कुछ भी नहीं है। इस पराठे में जो होता है ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज अ वुमेन, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल आलू पराठा तंदूरी स्टाइल देर इज अ सफ़ेद बटर फ्रॉम मूर्थल। आहा, बढ़िया सा एक ग्लास कटिंग चाय के साथ हम लोगों ने ले लिया। बट इसके अलावा मूर्थल में बहुत सारे और ढाबे हैं,
सब पे जाना इम्पॉसिबल है, गुलशन ढाबा है, शिवा ढाबा है, पहलवान ढाबा है, तो हम लोग सब पे जाना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम लोगों ने तीन कुछ फिक्स करे हैं। पहला, इस पे हम लोग खा रहे हैं पराठे सुखदेव ढाबा पे, क्योंकि सबसे पॉपुलर है मिलेनियल्स के बीच में, मतलब जैसे कहते हैं ना एकदम जो क्राउड ढाबों पे आता है गेड़ी लगाने, उनके बीच में सुखदेव सबसे पॉपुलर, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पराठा के साथ। अगले आउटलेट पे, अगले जो ढाबे पे हम लोग जाने वाले हैं सो कॉल्ड, वो होने वाला है पहलवान ढाबा, उस पर हम लोग जाके सागवा खाने वाले हैं, और उसके आगे हम लोग गरम गरम इसका बगल का पड़ोसी में सबसे एंड में जाएंगे। पनीर के पराठे में जनरस पनीर की फीलिंग, अच्छा यार पनीर की फीलिंग काफ़ी है। पनीर का पराठा अच्छा है, बट आई एम आलू प्याज गाय। आपको आलू प्याज का पराठा पसंद है? आलू प्याज मेरा फेवरेट, आलू प्याज का पराठा, और कोई पराठा नहीं खाता। मेरे भाई को पनीर का पराठा, मेरा भाई पनीर के अलावा और कोई नहीं खाता, मैं आलू प्याज के अलावा और कोई नहीं खाता। ये बैटल चल रहा है, आप लोग कौन सा पराठा खाते हो आप कमेंट करके बताओ। आई थिंक आलू प्याज वाले जीतेंगे, आलू प्याज वाले खाते हो तो कमेंट करके बताओ, पनीर तो कोई नहीं खाता है यार। चलो चलते बिल पे करते और निकलते, मज़ा तो इसी के साथ है, ये सारा ख़त्म कर देना ठीक है, आई विल फिनिश एवरीथिंग फ्रॉम हियर। 200 रुपये। ये गुलशन ढाबा, गुलशन पे आया करते थे यार हम सवेरे सवेरे, कॉलेज में हुआ करते थे। हाँ तो सुबह सुबह निकलते थे 6 बजे। मम्मी पापा सुन रहे हो? सुन रहे हो मम्मी पापा? कॉलेज के लेक्चर लग नहीं रहे, पराठे खाई जा रहे हैं भाई, सुन यही है जिंदगी। हमारा वेटर फिक्स था, उसको बुला फटाफट से बुलाते, उसको ऑर्डर पता होता था, जैसे हम आते दूर से उसको इशारा करते पनीर बस, तो भाई फटाफट से वो ले आता था। जितनी देर में पराठा खत्म हो रहा था उतनी देर में वो लाता था चाय, जितनी देर में चाय खत्म हो रही होती थी उतनी देर में आती थी गरम गरम चाय के बाद, पर गरम गरम बतली बतली जलेबियां। अच्छा जलेबियां भी, रबड़ी। ओ भाई साहब, ये आगे हैं जी पे पहलवान ढाबा, ये होता था जब हम लोग आते थे हमारे ज़माने में, ढाबा होता था पहले, बाहर बाहर ही दिखता था कितनी सीटिंग कैपेसिटी है। अभी बंदा बाहर से आएगा ना उसको लगेगा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 लोग होंगे। तो अभी हम लोग अपनी अगली जगह पे आए हैं, और जो मूथल के स्टैट्यूटरी पराठे हैं वो तो हम लोगों ने खा लिए। अब क्योंकि दिल्ली की सर्दी का स्पेशल है और संडे स्पेशल, और दिल्ली की सर्दी ख़त्म हो रही है, जाती सर्दी में एक बार सरसों का साग मक्की की रोटी भी वीडियो में दिखाना बहुत लाजमी है। तो एक प्लेट साग भी है, एक साग कर देना और दो मक्की की रोटी, दो पीस मक्की की रोटी ठीक है। पराठे वराठे तो खा लिए, आई डोंट थिंक खाएंगे, साग और मक्की की रोटी खाते हैं, उसके ऊपर बढ़िया सा सफ़ेद मक्खन मारेंगे और एंड में थोड़ा सा गुड़ लेंगे। बाबा थोड़ा सा मक्खन और ले आना जरा साइड में, सारा तो है नहीं और खाएंगे हम लोग, और इतना सारा है यार। आज कोई डाइट नहीं, वैसे डाइट चल रही है, बट साग और मक्की की रोटी प्योर पंजाबी नाश्ते पे। हम लोग मूर्थल तब से आ रहे हैं जब मूर्थल बना भी नहीं था, मतलब मूर्थल अभी पिछले 5-10 सालों में मूर्थल बना है एक्चुअली, द सो कॉल्ड मूर्थल। मैं तब छोटा सा बच्चा होता था, मतलब बहुत छोटा सा बच्चा, बाहर ऐसी सीटिंग होती थी कि हल्का सा अगर आप जाड़े के टाइम पे आओ ना तो थोड़ा सा हल्के हल्के बस लगता था थोड़ा सा। अभी इसको इसका थोड़ा सा एक आध फोटो खींचेंगे इंस्टाग्राम वगैरह पे डालेंगे और फिर उसको लेंगे, तब तक इतने हमारा मक्खन भी आ जाएगा। गुड़ आ गया भाई, गुड़ जरूरी है, चाह बोलते ना, पर चाह इस मतलब इतना सारा। प्लेट सजा लिए, फोटोज खींच लिए इंस्टाग्राम वगैरह के लिए, पास में आके आप प्लेट देखो, ये एक प्योर पंजाबी प्लेट है। वो ये ऐसे बोलते हैं ना कुछ, ऐसे करछी में नहीं खाना चाहिए है ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, हम लोग खा लेंगे भाई, लिव लाइफ किंग स्टाइल, पंजाबी स्टाइल। आस पास वाले लोग देख रहे हैं भाई क्या कर रहा है, कम से कम करछी तो हटा ले, आई एम लाइक नो ब्रो लेट्स डू दिस लार्जर देन लाइफ। इतना सारा तो बट रहा है ऑलरेडी। अरे तो मजा तो तभी आएगा ना, इसी का तो मजा है। दिल्ली की सर्दी लास्ट एपिसोड, सरसों का साग होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्रो, बादल इम्पोर्टेंट होना हो, सरसों का साग इन दिल्ली की सर्दी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। साग का जो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है ना, जो साग बथुए और पालक का जो
रेशो है एकदम बढ़िया, और उसको जो सबसे खूबसूरत बनाता है वो इनका सफ़ेद मक्खन है। और जो सफ़ेद मक्खन डाल के जो स्मूथनेस आती है ना टेक्सचर में, और जो लहसुन और प्याज का ओए होए 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 तड़का लगा हुआ है, इसे कहते हैं साग। देखा जाए ना, मक्खन ही खा जा रहे साथ साथ में। हाँ यार, वही तो प्लान है। क्योंकि देखो, मेरे को मेरे डाइटिशियन ने बोला हुआ कि आप शूट करते हुए खा सकते हो, वैसे आप डाइट करो, आप शूट करो, ये आपका काम है, तो उसका मैं भरपूर फायदा उठा रहा हूँ। तो देखो क्या है, ऐसी बात है, साग जो है ना काफ़ी सिंपल सी डिश है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, तीन चार चीज़ें मिला के बॉईल करके और एक तड़का लगाना होता है, पर उसमें जो अगर आप ढंग से बना लो, कला है, सिंप्लिसिटी इज़ अ आर्ट। अब मील कंप्लीट हुई है। उनका गुड़ काफी अच्छा है यार। अरे बहुत प्यारा गुड़ होता है। ये देखो। अरे भाई बातें करते करते देखो इस इंसान को मक्खन खा रहा है ये। देखो प्लीज यार। अरे नहीं नहीं यार, बस एक ये लास्ट बाइट है, उसके बाद हम लोग कैमरा बंद कर रहे हैं। नहीं यार, हम लोग लास्ट बाइट है, प्लीज यार कैमरा बंद कर रहे हैं। ओके ओके, डन डन, आपसे मिलते हैं, आपसे मिलते हैं चाय पीते हुए। मूर्थल आते ही लोग इसने हैं, ये खाने थोड़ी आते, ये तो हर जगह मिल जाता है, इसके लिए आते हैं लोग मूर्थल। Does this make you happy? अब इससे पहले कैमरा बंद हो, एक गुड़ की बाइट ले लो। कैसा था आपका खाना? बढ़िया, बढ़िया, मजा आया। चाय चीयर्स। चाय चीयर्स। इनके दूध की खुशबू लगाती है, है ना? चाय तो है मतलब। ठंडे ठंडे मौसम में ऐसी गरम गरम चाय, दिल्ली की सर्दी में और चाहिए क्या। अब चलते हैं, बिल पे करते हैं और निकलते हैं अगली जगह पे। बढ़िया। 300 रुपये बिल आया, एक साग का, दो मक्की रोटी का और एक चाह का, जो 1/2 करवाई थी, रीजनेबल है ना। आते हैं जो लोग उनको ध्यान होगा, यहाँ पे हाँ, पार्क सा होता था, यहाँ पे पीछे इधर होता था ना, इधर यहाँ पे जहाँ पे वो चिप्स वगैरह लगा हुआ, पहाड़ सा होता था, पहाड़ सा होता था, उस पे हम लोगों ने खा रखा है सर्दियों में, दिसंबर के टाइम पे, तब दादी माँ भी थे तो दादी हाँ, साथ में आते थे, हाँ, पहले पराठे बनते थे तो फिर हम वेटर को बोलते थे कि स्पेशली कि बेटा तू थोड़ा सॉफ्ट बना के लाइयो, तो इतना कंसिडरेट होता था कि वो अच्छे से सॉफ्ट पराठा बना के लाता था कि बुजुर्ग भी साथ में आए तो उनके साथ। ये तभी तो चले हैं, इसी रीजन से तो चले हैं ये, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी पे, मतलब नॉट अ, दिस इज लाइक अ रेस्टोरेंट स्टाइल हॉस्पिटैलिटी इन अ ढाबा स्टाइल वे। तो हम लोग अपनी आखिरी जगह पे आ गए हैं, जो है गरम धरम, और यहाँ से हम लोग खाने वाले हैं इनका कॉम्बो, थाली एंड कॉम्बो में से हम लोग लेने वाले हैं ये वाला अमृतसरी कुलचा कॉम्बो, जिसमें दो कुलचे, अमृतसरी छोले, सैलड और छाछ आती है। तो आता है तो अपडेट करते हैं। ये जो जगह है ना, अब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कनॉट प्लेस के किसी रेस्टोरेंट में आ गया हूँ। हाँ, देखने में नहीं लगती पर अंदर जाओ, सारे वो लिखे हुए एंगेजिंग कंटेंट, हाँ, गरम भाजी वाली, वो वाली नहीं थी जो मूवी उसके अमिताभ बच्चन और गरम भाजी वाली, छोले, हाँ छोले, छोले भूल गए, कैसे हो भाई यार, ठीक है, बुलेट और उसके साइड में जो बग्गी होती है, हाँ, वो वाली भी वहाँ खड़ी है, मतलब पूरे एलिमेंट्स है, मतलब पूरी बॉलीवुड वाइब्स है इसमें ना, पूरी अच्छी, हाँ। पोर्शन साइज वगैरह सही है, हाँ, दो लोगों के लिए प्रॉपर, दो लोगों का, और 260 रुपीज इसका प्राइस है, वेरी डिसेंट, हाँ, इसके साथ चाय की भी जरूरत नहीं है क्योंकि छाछ है, हाँ, और जो छोले का जो वो है, मेरे को लगा था एक इस कटोरी में छोले देंगे, पोर्शन साइज इज वेरी गुड, वैल्यू मिला, कॉम्बो में जस्टिस करा, वरना कुछ कुछ जगहों में होता है ना, कॉम्बो में इतनी सी चना मसाला डाल देंगे, एक कुलचा दे देंगे, तो वो कॉम्बो में क्या ही बचा फिर आपका, टेस्ट टेस्ट। अब ये देखो, पहले छोलों से मेरे को लग रहा है देख के कि ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, वो जो पूड़ी वाले जो छोले होते हैं ना, खाने की महक है यार। आपने बोला था यार मूथल में सफ़ेद मक्खन, तो सफ़ेद मक्खन है, मक्खन की बड़ी तारीफ सुनी हमने, हमने बोला चलो ट्राई जरूर करेंगे यार, बस इतना सा यार, नहीं मैं काम करता हूँ ना, नहीं 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 सारा डालता,
ओ नहीं 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 बस बस सब्सक्राइबर को भी पता चलेगा कितना मक्खन खाते भाजी। हाँ थोड़ा मक्खन लगाना चाहिए ना सबको। वही मैं सोचू ना तब ना कुछ कुछ ना सूखा सूखा सा लग रहा था। ओहो मिसिंग मिसिंग सा लग रहा था। हाँ अब लग रहा है थोड़ा सा ना, अब मूर्थल वाली वाइब्स आ रही है, वरना ना थोड़ी कनॉट प्लेस वाली वाइब्स आ रही थी, अब ये सफेद मक्खन के साथ ना मूर्थल वाली वाइब्स आ गया। कुलचा डाइसेक्शन 101। ओ भाई साहब बढ़िया है यार, देख रहे हो मेथी दाना धनिया। हाँ सामान काफी सारा है, नॉट बैड यार। कोई नहीं मक्खन बहुत सारा, मक्खन बहुत सारा डाल लिया, खा ले गए मक्खन है। कटोरी भर के ले आया बंदा, लाइक दिलदार है भाई, दिलदार है। मक्खन लुक सर आप तारी सुनिए आपने, कोई नहीं आप खाओ। तो एक बाइट सिर्फ मक्खन के साथ लेंगे, एक छोले के साथ लेंगे। ये क्या है, तेरे डाइटिशियन को भेजनी है मैंने ये फोटो। वो बोलेगा ये क्या, ये काम है क्या है। खा ले मक्खन मार के, एक मक्खन मार के आपको बोल रहा हूँ, एक लाइक कर दो इस वीडियो पे। अगर 6000 लाइक्स आ जाएंगे ना तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। वाह मक्खन बड़ा प्योर है, बहुत बढ़िया मक्खन। मक्खन में फर्क था, बहुत फर्क है, बहुत है सच्ची में। वेरी गुड, क्योंकि मेरे को जेन्युइन काफी लोगों ने बोला कि यहां का मक्खन इज एक्चुअली रियली गुड। मतलब हम लोगों ने पिछले 3 घंटे में 3 अलग-अलग जगहों से मक्खन खाए हैं और मूर्थल के मक्खन से बढ़िया सफेद मक्खन और कहीं मिलता नहीं है, बट बहुत बढ़िया फर्क है, लाइक इट्स एक्चुअली रियली गुड। कुलचा ठीक ठीक है बट मक्खन वाह, अल्टीमेट चास टेस्ट। वाओ बहुत सही यार, अगर अनलिमिटेड होती ना ये बहुत पीता मैं। मतलब मेरे को तो लग रहा है कि यहाँ पे अगर आप आलू समोसा भी मंगवा रहे हो ना उसके साथ भी सफेद मक्खन मंगवा लो, इतना बढ़िया है सफेद मक्खन। बहुत सही यार, बहुत बढ़िया मक्खन। आई कांट वेट यार, मुझे भी खाने आप। हाँ यार ये तो होता ही है यार, मतलब लोगों को दिखाने के चक्कर में ना किसी को तो कैमरा पकड़ना पड़ता ही है, ये तो होता ही है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। अरे छोले खाने आ सकते हो, एक लिटरली ये बंदों ने बोला है कि यार वहाँ पे सिर्फ मक्खन खाने चले जाओ, इतना जबरदस्त मक्खन है यार। मेरा तो फेवरेट बन गया ये, इतना बढ़िया है, जगह इतनी बढ़िया, एम्बियंस इतना बढ़िया। एम्बियंस तो लाइक एक नंबर। मैं तो कहूँगा भाई एक बाइट में मेरा, इसकी एक बाइट में मक्खन के साथ और छाछ के साथ ना मेरे 260 रुपये वसूल हो गए। वसूल है बहुत गया क्योंकि ये जो लास्ट बाइट है दिल्ली की सर्दी के इस सीज़न की। दिल्ली की सर्दी वापस आएगी 2020 में अक्टूबर नवंबर में, जब भी दिल्ली में वापस सर्दी आएगी, जब दिल्ली फिंगर्स क्रॉस्ड भाई दिल्ली में सर्दी आ जाए भाई, दिल्ली में सर्दी आ जाए भाई। हाँ भाई टच वुड। चलो जी अब हम लोग लास्ट बाइट लेते हैं दिल्ली की सर्दी की इस सीज़न की, और फिर आपसे संडे स्पेशल्स जो अभी कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है दिल्ली की सर्दी से, संडे स्पेशल्स में आपसे मुलाकात होगी हर संडे मुंबई के एक नए एपिसोड में। मुंबई का तो आपको पता ही है, मुंबई जो है दिल वालों की दिल्ली है तो सपने वालों की मुंबई है। मुंबई का पूरा शूट हो चुका है, आपको एक एक करके वीडियोस दिखेगी। अगले संडे मिलते हैं दिल्ली की सर्दी के इस एपिसोड की लास्ट बाइट, इस सीज़न के दिल्ली की सर्दी की लास्ट बाइट। हम लोग सफ़ेद मक्खन के साथ, कुलचे के साथ, थोड़े से इसमें डालेंगे छोले ताकि दुनिया को पता चले कि दिल्ली वाले थोड़े से अच्छे खासे तीखे लोग होते हैं। एक तीखी बाइट मिर्ची की, तीखी मिर्च एक नंबर खाना, एक नंबर। धर्मपाजी का रेस्टोरेंट है ऐसी थोड़ी भाई, मैं सोच रहा था क्या धर्मपाजी का ब्रांड नेम यूज करके जस्टिस करा पंजाबी खाने में, एक नंबर खाना, एक नंबर। अब चलते हैं बिल देते हैं और फिर बाहर जाके बात करते हैं। यहाँ का मक्खन तो अच्छा है, ये सारा मक्खन खा जाओगे है ना, अब लग रहा है ये सारा मक्खन खाली हो जाएगा भाई। ये बढ़िया मक्खन है, और ये छोले टेस्ट करो, छोले टेस्ट करो, देखने में छोले छोले देखने में जो है ना एकदम एवरेज से लग रहे, पर खाओ है ना, देखने में एकदम खिसियाई बिल्ले जैसे लग रहे थे, है ना। परफेक्ट वे टू एंड द मील। आज हम लोगों ने 3 जगह पे खाया, कुछ अराउंड 1000 रुपये के आसपास हम लोगों का टोटल जुर्माना हुआ, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छा मूर्थल एक्सपीरियंस समझा हम लोगों ने। मेरे को जो कहानी पता है वो ये है कि एक 1970s 1980s में जब ये मूर्थल के इनिशियल जो ढाबे स्टार्ट हुए थे, तो तब एक बाबा जी थे जिन्होंने एक रेस्टोरेंट जो ढाबा ओनर था उनको बोला था कि आपका रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा चलेगा। मेरे मुँह से रेस्टोरेंट निकल रहा है क्योंकि अब ये पूरे रेस्टोरेंट बन गए ना, बहुत डिफिकल्ट है इमेजिन करना कि मंजियाँ लगी हुई हैं, ढाबा लगा हुआ है। तो आपका ढाबा बहुत अच्छा चलेगा बट
आपका तभी सिर्फ अच्छा चलेगा जब आप पूरा प्योर वेजिटेरियन खाना रखोगे, कोई अंडा नहीं रखोगे, कोई नॉनवेज नहीं रखोगे। तो काफी मान्यता होती है जब ऐसे कोई बाबा आपको आके बोलते हैं या कोई बड़े आपको पुराने लोग मानते थे, बहुत मानते हैं। हाँ, इवन अभी भी लोग बहुत मानते हैं, जो मतलब एकदम गले पे बैठते हैं ना लोग। प्योर वेजिटेरियन उन्होंने बनाया इस रेस्टोरेंट अपने ढाबे को, और उनके जो भी फिर कॉम्पिटिटर्स भी आते रहे ना सबसिक्वेंट, उन लोगों ने भी प्योर वेजिटेरियन खाना रखा। तो अभी सीन ऐसा हो रखा है मूर्थल में, जो भी फेमस ढाबेज हैं या जो अब रेस्टोरेंट बन गया है, जो सुखदेव है, जो गुलशन है, आहूजा है, पहलवान है, बहुत सारे हैं, सब के सब प्योर वेजिटेरियन है। हाँ। यहाँ पे एक बार हम जब आए थे तो जो वेटर वगैरह हमें सर्व करता था वो रेगुलर कस्टमर थे। हाँ। उसके तो गप्पे गप्पे जैसे हो जाती है। सुनते सुनते हमें भी अफवाह स्टोरी वाली आई थी। तो ढाबे जब ये स्टार्ट हुए थे तब एक बाबा वगैरह आए थे, तब यहाँ पे चिकन वगैरह कुछ सीन था। हाँ। ठीक है, तो अब जैसे बाबा होते हैं वो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन टाइप्स, प्योर वेजिटेरियन होते, तो उसको बात खटक सी गई थी, या शायद उसको सर्व हो गया था या फिर कुछ ऐसा हो गया था। अब इतनी पुरानी कहानी है, थोड़ी हेजी मेमोरी है। हाँ। तो उसने फिर एक कह लो शराब दे दिया या कुछ ऐसे स्टेटमेंट सी बोल दी कि इस एरिया के अंदर कोई भी नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढाबा या फिर कोई भी लिकर शॉप, हाँ, दारू वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा। अब लोगों को तो मानो तो है मानो तो नहीं है, गाता है ये कहानी है, बट फॉर सम रीजन यहाँ पे चलता है, नोटिस ये चीज मानी जाती है। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी खींच गई, बट मैंने बोला कोई नहीं यार, दिल्ली की सर्दी का लास्ट एपिसोड है, बढ़िया खाना खाया, मक्खन लगा के वीडियो ये हो चुकी है खत्म। आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर, लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। और हम लोगों का अब इतना मक्खन खा खा के बैंड बज चुका है कि अब मंजिया तोड़ेंगे, जाके सोएंगे। गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट नहीं, अभी तो 12 बजे हैं वीडियो जब डालिए, तो अच्छा पूरा दिन आप भी सो जाओ यार, कोई खाओ मस्त मक्खन मंगवाओ, एंजॉय करो यार, एंजॉय। बाय बाय।